समस्त भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि के अंदर सूर्य का जो प्रवेश हो रहा है, सूर्य संक्रांति वृषभ राशि की, उस पर जो चार्ट बन रहा है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू जो भी पूरे महीने क्या क्या संभावनाएं होने वाली हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे चार्ट के थ्रू जो दिखाई देंगी। इस बार जो चार्ट बन रहा है वो 15 मई 2018 5:04 पर दिल्ली का बना है चार्ट, जो कि मेष राशि लगन में उदय हो रही है और सूर्य जो है वो द्वितीय भाव में स्थित है का चार्ट हमें प्राप्त हो रहा है। और इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको हम पहले चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे यहाँ पर और फिर हम इसके थ्रू धीरे धीरे हम क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या घटनाओं की संभावनाएं यहाँ चार्ट से दिखाई देती हैं, हम उससे आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेष लगन है और मेष लगन में मरकरी, बुध और चंद्रमा जो है वो प्लेस्ड है। गुरु जो कि नौमेश और द्वादशेश है, 12th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, वो 7th हाउस से देख रहा है। यहाँ पर देखें तो लग्नेश जो है मंगल वो एग्जॉल्टेड है, 10th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस से अपने हाउस, अपने लगन को देखता भी है, तो इस तरह से लगन को बल प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो सूर्य द्वितीय भाव में है जो कि पंचमेश है या और 3rd हाउस में मिथुन राशि में वीनस अभी गया हुआ है, उसकी डिग्री जो है वो 0° 24 मिनट्स की है। शनि रेट्रो 9th हाउस में स्थित है और उसके साथ संबंध भी बना रहा है। 4th हाउस को देखें तो यहाँ पर इस चार्ट में भी बहुत सारी पीड़ा है, राहु स्थित है 4th हाउस में और उस पर मंगल की दृष्टि है। 7th हाउस जो है उस पर गुरु बैठा हुआ है और उस पर चंद्रमा और बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो ये चार्ट है और इसके थ्रू हम अब देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लगन है उस पर 3, 6, 8 और 12th लॉर्ड मर्करी, जुपिटर, मार्स इनका प्रभाव पड़ रहा है, तो जहाँ एक तरफ ये कुंडली बहुत मजबूत दिखाई देती वहीं कहीं ना कहीं ये कुंडली वीक भी दिखाई दे रही है और बहुत सारे षड्यंत्र के घेरे में भी आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे यद्यपि मंगल एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो कहीं ना कहीं प्रमोट भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है हमारे स्टार्ट को, लेकिन ये हमारे जो जो भारत की कुंडली है उसका द्वादश भाव है, 12th हाउस जो है इस बार का लगन बना है, तो वो भी एक बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दिखाता है। तो इसके आधार पर जो निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि इस समय भारत जो है वो षड्यंत्र के घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े लेवल पर कोई विदेशी षड्यंत्र के तहत भारत पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि आजकल जो ट्रंप का और ईरान के साथ जो समझौता 2015 में हुआ था उसको इन्होंने तोड़ दिया है उस समझौते को, जिसके तहत भारत की जो आर्थिक जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वो यहाँ पे एकदम क्लियरली कुंडली से दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरे महीने है, ये पूरे महीने में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बहुत ही प्लांड तरीके से किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ यहाँ पर बड़ी क्लियरली आ रही है, दूसरी एक बड़ी चीज़ आ रही है कि यहाँ पर 4th लॉर्ड जो है चंद्रमा जो बना हुआ है वो भी यहाँ पर स्थित है, नौमेश से दृष्ट है, अष्टमेश से भी दृष्ट है और षष्ठेश और तृतीयेश यानी 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 8th लॉर्ड के साथ संबंध बन रहा है 4th हाउस का। तो अभी जो राम जन्मभूमि पर 15 मई को जो सुनवाई होनी है जिस पर उसमें आप अभी भी षड्यंत्र के तहत इसे डिले करने की संभावना प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर अभी भी कहीं पर भी ये चीज़ नहीं दिख रही है कि पूरी चीज़ें पॉजिटिव होने के बावजूद यहाँ पर अनर्गल तरीकों से इसे डिले कराया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सब तारीख को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और बड़ी उभर के आ रही है, वो
पंचम जो भाव है उसका जो लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस में चला गया है सूर्य। इस पर कोई और प्रभाव नहीं है, पर वो एट्थ हाउस के साथ संबंध बना रहा है। और जो अष्टमेश है और लग्नेश है मंगल, उसका फिफ्थ हाउस से कनेक्शन बन रहा है। तो यहां पर ये चीज भी बड़ी क्लियरली आ रही है कि अभी जो करंट में ये जो चीजें चल रही हैं, कि जो जिन्ना का जिन्न जो अभी भटक रहा है वो अभी इस मंथ भी भटकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और राजनीति का के साथ शिक्षा में जो एक जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को हथियार बनाए जाने की एक जो संभावना है वो यहाँ पर क्लियरली कुंडली से प्रकट हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो थर्ड लॉर्ड जो है बुध, वो लगन में बैठा हुआ है, जो कि हमारे नेवर कंट्री को दिखाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आ रही है कि जो विदेशों से मतलब नेवर कंट्री है वो षड्यंत्र में शामिल होगी। इसके अतिरिक्त थर्ड हाउस में वीनस प्लेस्ड है, मिथुन राशि में गोचर कर रहा है इस समय का ट्रांजिट में शुक्र। अतः यहाँ पे मिथुन राशि में जब भी गोचर करता है तो हमारे देश के लिए हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस में है और उस पर गुरु नौमेश और द्वादशेश की दृष्टि है और उस पर शनि रेट्रो है, लेकिन टेंथ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना प्रकट हो रही है कि कला के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में भारत नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल अवार्ड मिलने की संभावना भी बनती है। फोर्थ हाउस को देखते हैं तो फोर्थ हाउस पे राहु प्लेस्ड है और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर देखें तो फोर्थ हाउस में अतिशय पीड़ा है और जो फोर्थ लॉर्ड है वो भी पीड़ित है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली आ रही है कि जो धार्मिक उन्माद का जो माहौल है राष्ट्र में वो बना रहेगा, जो अराजकता है वो बनी रहेगी, राजनीति में बहुत सारी अफवाहों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी समय समय पर अपना मुंह खोलती भी दिखाई दे रही है। इस महीने भी सरकार को नए प्रकार के अराजक तत्वों को खत्म करने के नए नए तरीके से निपटने की संभावना प्रकट होती है। अब सेवेंथ हाउस पे आते हैं, वहां पर देखें तो गुरु स्थित है, प्लेस्ड है, जो कि नौमेश है और द्वादशेश है। वहां पर चंद्रमा जो चतुर्थेश है उसकी दृष्टि है और बुध जो तृतीयेश और षष्ठेश है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर ये चीज क्लियरली आ रही है कि इस महीने सरकार स्त्री विवाह से संबंधित ऑर्डिनेंस ला सकती है, अध्यादेश ला सकती है। परंतु यहाँ पर फिर सिक्स और एट जो सिक्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यहाँ पर इस चीज को डिले या खींचे जाने की संभावना को भी प्रकट कर रहा है। तो अध्यादेश आएगा पर उसमें कुछ ना कुछ नियम को आगे बढ़ाने के लिए, इसको खींचने के लिए नियम को और उसमें कई चीज़ें चेंज करने के लिए कुछ संभावनाएं इस तरह की प्रकट होंगी, जिससे कि ये थोड़ा खींचे लंबा जाए। न्यायालय अब नाइन्थ हाउस को देखते हैं। नाइन्थ हाउस में जो शनि है वो वक्री स्थित है, जिस पर वीनस की दृष्टि है और नौमेश सिक्स लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है, उसमें चतुर्थेश भी है। तो यहाँ पर पुनः एक बार फिर जो देश में आजकल जो न्यायालय से संबंधित जो विवाद और षड्यंत्र शुरू हुए हैं वो इस महीने में पूरे पूरे दिखाई देते हैं कि कुछ ना कुछ जो प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर वो लगते रहेंगे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेगी, जिससे कि भारत सरकार को भी और न्यायालय को भी अपने पक्ष को रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। दसम भाव को देखें तो वहाँ पर मंगल एग्जॉल्टेड उच्च का स्थित है, लग्नेश है और अष्टमेश है और उस पर केतु की स्थिति है। तो ये निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार को बहुत सारे विरोधी और बहुत विपरीत परिस्थितियाँ मिलेंगी, लेकिन उससे अच्छी तरीके से निपटते हुए योजनाबद्ध तरीके से सरकार इस महीने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से देखें तो जो
शनि है वो 11th लॉर्ड भी है और वो अपने भाव को देख रहा है, और गुरु वक्री 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, वो भी 11th हाउस को देख रहा है। तो एक जो यहाँ पे संभावनाएं बनी हुई है, ये दोनों वक्री होने की वजह से जो बाजार में जो संभावनाएं हैं वो नॉर्मल नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति, लेकिन बहुत घटा बढ़ी जो है वो बहुत मामूली होगी, बनी रहेगी। इसके अलावा जो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का जो पैक्ट हुआ है आपस में, जिसके थ्रू हमारा जो कंट्री है, हमारी जो राष्ट्र है, वो उनके साथ जा रहा है, वो भी कुछ पॉजिटिव है कुछ चीज़ों के लिए, और कुछ चीज़ों के लिए ज़रूर इस मंथ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कुछ न्यायिक प्रक्रिया के घेरे से गुजर सकता है। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय व्यापार होते हैं उसमें भी कुछ नए निर्णय, बैंक से रिलेटेड नए निर्णय सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। ये है हमारी जो वृष संक्रांति की कुंडली है उसका चार्ट का जो आकलन है वो इस तरह से आया है। अब हम इसी चीज़ को 15 दिन के अंदर कैसे ये चीज़ दिखाई दे रही है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अमावस्या के चार्ट के थ्रू। जो न्यू मून अमावस्या का जो चार्ट बन रहा है वो 15 मई 2018 को 17:18 का बन रहा है, जिसके आधार पर जो चार्ट हमें मिला है वो तुला लग्न का चार्ट मिला है, जो कि भारत की कुंडली का 6th हाउस बना हुआ है। तो ऐसे देखें तो बहुत अच्छा तो ये चार्ट भी मुझे नहीं मिला। हम इसके बेस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या घटनाएं और नैरो डाउन करके कैसे बन रही है यहाँ पर, वो देखते हैं। यहाँ पर देखें तो जो जुपिटर है वो लगन में वक्री स्थित है, जो कि 6th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड बना हुआ है, फिर 3rd और 6th का कॉम्बिनेशन लगन के साथ बन गया है। इसके साथ देखें तो जो मर्करी है बुध वो 7th हाउस में बैठा है, जो कि द्वादशेस और 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। तो यहाँ पे फिर वही कॉम्बिनेशन जो कि पहले संक्रांति के चार्ट में, सूर्य संक्रांति के चार्ट में बना था, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखें तो शनि रेट्रो होकर के 5th लॉर्ड और 4th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ गया है, जिस पर वीनस 8th लॉर्ड और लगन लॉर्ड की दृष्टि हो गई। तो फिर वही कॉम्बिनेशन जो कि हमने सूर्य संक्रांति के चार्ट में देखी थी, यहाँ पे आ रही है कि 8th का 5th के साथ रिलेशन बन रहा है और कोई प्रोटेक्शन नहीं आ रहा है 3rd हाउस के साथ, उसका संबंध बना हुआ है। उसके बाद अगर हम 4th हाउस पे आते हैं तो फिर 4th हाउस को देखें तो वहां पर मंगल प्लेस्ड है केतु के साथ, फिर बहुत सारी पीड़ा, और 4th लॉर्ड शनि बना हुआ है जो कि रेट्रो है, और उस पर शुक्र जो कि मिथुन राशि का है उसकी दृष्टि पड़ रही है, जो कि 8th लॉर्ड भी है उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पॉजिटिव नहीं बन रहा है। अब 7th हाउस को देखते हैं तो वहां पर मर्करी प्लेस्ड है, फिर 9th और 7th का कॉम्बिनेशन, 12th का कॉम्बिनेशन, और 10th हाउस पे राहु प्लेस्ड है और उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल यहाँ पर देखें तो 2nd और 7th लॉर्ड है। तो यहाँ पर एक जो कॉम्बिनेशन है वो ये जरूर बना हुआ है कि जो सरकार की स्थिति है वो यहाँ पे कमजोर पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है, और उसके लिए सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पर जो षड्यंत्र जो पीछे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो विदेशों का कोई षड्यंत्र है जिसके तहत भारत को उसके कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, तो यहाँ पर वो क्लियरली दिखाई देता है। जैसे पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे तो उससे हमारे जो महंगाई है, हमारे जो पेट्रोल है और महंगाई है वो सारी चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये जरूर आ रही है कि जो सरकार इसी 15 दिन के अंतर्गत अध्यादेश लाएगी, और वो भी जो है वो डिले होने की संभावना को भी प्रकट करती है। तो अध्यादेश भी लाएगी और उस पर डिले होने की, खींचने की संभावना भी इस चार्ट से पुनः प्रकट हो रही है। तृतीय भाव का जो लॉर्ड है वो लगन में चला गया है, जिस पर 9th लॉर्ड के साथ संबंध बना हुआ है। यहाँ पर फिर एक बार खेलों से रिलेटेड, कला से रिलेटेड और लेखन से रिलेटेड और इन सब क्षेत्रों से रिलेटेड चीज़ों के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी
अच्छा करने की संभावना दिखाई देती है। कलाकारों और लेखकों को सम्मान और अवार्ड की संभावना प्रकट होती है। चतुर्थ भाव में इतनी ज्यादा पीड़ा, फिर एक बार देश को प्रदूषण, अराजकता, धार्मिक उन्माद और प्राकृतिक आपदा जैसे माहौलों से गुजरना पड़ेगा इन 15 दिनों के अंतर। इसके अलावा जो राम जन्मभूमि पर जो निर्णय आना है उसमें फिर यहाँ पर सीधी तौर पर कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। इसको डिले करने के लिए अनर्गल तरीके अपनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर सरकार कमजोर होती भी दिखाई दे रही है और कुछ फैसलों में फेरबदल के साथ फिर से कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से क्या 15 दिन जो है वो सामान्य दिखाई देता है, परंतु सरकार कुछ आर्थिक निर्णय गुप्त तरीके से ले सकती है। अब हम पूर्णिमा का चार्ट लेंगे, फुल मून का, जो कि 29 मई 2018 को 19:50 यानी कि 7:50 पर शाम को हो रहा है, का चार्ट बन रहा है। और ये जो है वृश्चिक लगन का चार्ट बना हुआ है। यहां से अगर हम देखते हैं तो पहले जो हमें चार्ट मिले हैं तो उसमें सबसे बेहतर चार्ट मुझे ये वाला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वृश्चिक लगन है उस पे चंद्रमा स्थित है जो कि 9 मेष है, और 10 मेष सूर्य जो है वो सप्तम भाव में स्थित है, और उस पर बुध भी बैठा हुआ है जो कि 11th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। तो यहाँ पर पहले से बेहतर जो है वो बना हुआ है कॉम्बिनेशन। और शनि द्वितीय भाव में स्थित हो गया है जो कि 3rd लॉर्ड और 4th लॉर्ड है, जिस पर शुक्र जो कि द्वादशेश है और सप्तमेश है उसकी दृष्टि पड़ रही है, और मंगल और केतु 3rd हाउस में स्थित है, राहु 9th हाउस में स्थित है, गुरु द्वादश भाव में 12th हाउस में स्थित है। यहाँ पर एक चीज और है कि शुक्र और बुध, मरकरी और वीनस का एक्सचेंज हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है जो 7th और 8th का है और 11th और 12th का है। तो जो हम जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो अभी जो जो टाई अप हुआ है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर मूव होना शुरू हो जाएगा वो दिख रहा है। यहाँ पर जो विदेशी षड्यंत्र है उसमें काफी हद तक हमारी सरकार काम कर पाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको मूव करा पाएगी। जो जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर हर जगह पर कुछ ना कुछ षड्यंत्र और विवाद बने रहेंगे और अघोषित युद्ध जैसी संभावना प्रकट कर रहा है। राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो निर्णय है उसमें जजों की जो संख्या बढ़ाए जाने की मांग है उस पर भी यहाँ पर पुनर्विचार करते हुए ये कुंडली में प्रकट हो रहा है, पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है थोड़ी, पर डिले होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई बड़ा परिवर्तन भी संभव है, क्योंकि वहाँ पर जो बुध है वो यहाँ पर आय का कारक जो होता है वो बुध बना हुआ है, और वैसे भी बैंकिंग का कारक बुध होता है, और यहाँ पर चंद्रमा नवम मेष के साथ और 10 मेष सूर्य के साथ संबंध बना रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देता है। परंतु यहाँ पे एक चीज और बड़ी क्लियर आ रही है कि ये 15 दिन भी न्यायिक जो प्रक्रिया है और न्यायिक जो जो मामले हैं इस समय जो सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों से रिलेटेड वो अभी भी उस पर प्रश्न चिन्ह बना रहेगा, उस पर कुछ ना कुछ जो परेशानियां हैं जो विवाद हैं वो बने रहेंगे। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर कुछ चीजें जरूर यहाँ पर दिखाई देती हैं कि वैज्ञानिक खोजें हो सकती हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार की संभावना है जिसमें विदेशी सहयोग और विदेशी जो शिक्षण संस्थान है उनके भारत में आगमन की भी संभावना इन 15 दिनों में दिखाई देती है। ये 15 29 मई से लेकर के
15 जून 14 जून तक का चार्ट है, उसके बाद का हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो है जो आ रहा है जिस पर मैंने मेदिनी पर डिस्कस किया है। अभी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी डिस्कस होते हैं वो 12 राशियों पर ही होते हैं। पर यहाँ पर मैं आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं आए कोई भी, तो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं। तो मेरे ये कभी आपके दिमाग में आया कि जो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हो रहा है। तो कभी क्या प्रश्न दिमाग में आता है कि क्यों हम जो है आज़ादी एक दिन के बाद क्यों ले रहे हैं, या हमें आज़ादी एक दिन के बाद क्यों मिल रही है? कभी दिमाग में ये चीज़ आई? ये क्वेश्चन है और इसको आप मुझे बताएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं इस पर भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ों की भी चर्चा करूँगी ज्योतिषीय माध्यम से। धन्यवाद।